सो फ्रेंड्स, आजकल अपने कंज्यूमर्स काफ़ी परेशान रहता है इस चीज़ को लेकर कि उनको जब उनका काम अटक जाता है और वो हार्डवेयर की शॉप में जाते हैं तब उनको कोई सा भी बेकार सा ड्रिल बिट वो पकड़ा देते हैं और वो यूज़ करते हैं, फिर उसका अंजाम उनको पता है कि क्या होता है। और आपके साथ हुआ है तो आपको भी ज़रूर पता होगा। सो यही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है और वो प्रॉब्लम किस वजह से होती है, अपनी क्या गलती होती है वहाँ पर। सो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया। हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू वाचिंग चश्मा ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और धमाकेदार शानदार सा ब्लॉग लेकर आप लोगों के लिए फिर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्चुअली इन ड्रिल बिट्स की। सो यहाँ पर मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि लोगों को एक्चुअली में कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है जब वो ड्रिल बिट्स जो है ख़राब क्वालिटी के ले लेते हैं, हार्डवेयर की शॉप में जाते हैं और उनको ख़राब ड्रिल बिट्स पकड़ा दिए जाते हैं और वो यूज़ करते तो उनकी मशीन में जो है ये ड्रिल बिट्स अटक जाता है। सो इसका रीज़न ये है कि आपने जो ड्रिल बिट्स लिया है वो आपने हल्की क्वालिटी का लिया है, वो ड्रिल बिट्स आपका फंस गया है और उसके बाद फिर उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो कि आपका ड्रिल बिट आपके ड्रिल मशीन में फंसा हो तो आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता तो उनसे पूछिए। एक्चुअली उनका जो है डबल खर्चा हो जाता है उस चीज़ को लेकर, उस ड्रिल बिट को लेकर। तो क्यों ना आप थोड़े पैसे और उसमें डालो और एक अच्छी क्वालिटी का बिट ले सकते हो। तो ऐसा आपने सोचा होता तो शायद ही आपका ड्रिल बिट फंसता। लोगों को समझ नहीं आता तो वही हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आपको कैसे परखना है कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का ड्रिल बिट है और कौन सा बेकार। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, वरना वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। साथ साथ एक और काम कीजिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को कर दो करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ 5 बिट्स लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग साइज़ के। सो उसमें से कुछ बिट ऐसे हैं जो कि 3rd क्लास क्वालिटी के और कुछ बिट ऐसे हैं जो कि A1 क्वालिटी के, और कुछ बिट्स ऐसे भी है जिनकी कहानी पूरी डिफरेंट है, पूरी तरह से चेंज है। सो वो ये वाला बिट है और इसका हम रिव्यू लास्ट में करेंगे। तो इसको रखता हूँ मैं हाल फिलहाल साइड में, और अब हम बात करते हैं इन 4 बिट्स की कि इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं 3rd क्लास क्वालिटी बीट के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास 3rd क्लास क्वालिटी के ये 2 बीट्स हैं। वैसे और भी कई सारे 3rd क्लास क्वालिटी के बीट आते हैं, बट उसमें से मैं कुछ एक क्वालिटी चूज़ करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा 3rd क्लास क्वालिटी का बीट है, ताकि आपको कोई चूना ना लगाए। सो गाइस, ये वाला जो बीट है ये 5mm का बीट है, और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्वालिटी, जो कि एक्चुअल में सबसे घटिया क्वालिटी है। तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको ये बीट देखने मिलेगा, और इस बीट की क्वालिटी का हिसाब इसके हुलिया देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये किस तरह से दिख रहा होगा। यहाँ पर ये वाला जो बीट है एकदम चीपेस्ट क्वालिटी का बीट गाइस, आपको कैसे पता लगाना है। तो यहाँ पर आप जब इस बीट को देखोगे तब आपको यहाँ पर ग्लॉसी जैसा एकदम शाइनी होगा, एकदम मतलब सिल्वर की तरह यहाँ पर ये चमक रहा होगा। इसका मतलब ये बीट एकदम घटिया क्वालिटी का, इसके अंदर काफ़ी कुछ कम है। और क्या कमी है इसके अंदर, जो कि मैं आपको अच्छी क्वालिटी का बीट बताने के बाद बताऊंगा। इसका शक्ल देख के मुझे बहुत चीपेस्ट बीट लग रहा है। यही सेम बीट मैं आपको अच्छी क्वालिटी में दिखाता हूँ, यही साइज़ का, यही सेम बीट। तो ये रहा, ये अभी मैं जो वीवा का बीट है बताता हूँ आपको कि ये किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से इसका हुलिया जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये वाला बीट इतना चमक रहा नहीं होगा, ये वाला थोड़ा मैट फिनिश में आपको ये बीट देख रहा मिल रहा होगा। और आप इसकी क्वालिटी देख के आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बेहतर, कितना अच्छा, कितना A1 क्वालिटी का बीट आपको ये देखने मिल रहा है। और मैं आपको तो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको दोनों बीट एक साथ दिखाता हूँ। दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है गाइस, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको इन दोनों का रीज़न बताता हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी का बीट क्यों माना जाता है और ये बेकार क्वालिटी क्यों माना जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेकार क्वालिटी। इस बीट का ये डिसएडवांटेजेस है, ये बीट जो है अगर आप ड्रिल मशीन में लगाते हो और आप अगर वॉल में इस होल कर रहे हो और समझो वॉल के अंदर सलिया आ जाता है, ठीक है,
तो सलिया आने के बाद ये जो बिट है ये सलिए को अगर टच होता है तो ये बैंड हो जाएगा, ना कि टूटेगा, ये बैंड हो जाएगा। सो ये बैंड होना है इसकी डिसएडवांटेजेस है, ये बैंड नहीं होना चाहिए। बिट कभी भी ऐसा लो जो कि टूट जाए, टूटता है बिट तो वो अच्छा रहता है, और बैंड होता है वो बिट अच्छा नहीं रहता है गाइस, क्योंकि वो बिट कच्चा है, इसको हीट नहीं किया गया है। यहाँ पर बिट हमेशा बनने के बाद हीट होता है, तो यहाँ पर ये बिट जो है ये हीट नहीं हुआ है, इस वजह से ये बैंड होता है। कभी कभी तो ऐसे भी आता है ये वाले बिट जो कि कंपनी से ही थोड़े से डिफेक्टिव निकलते हैं, कंपनी से ही, तो इन पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ, और आपको मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ ये वाले बिट लेने के लिए। आप हमेशा ये वाला बिट लो। और प्राइस की बात करूँ तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला 20 रुपीज़ का बिट है और ये वाला 50 रुपीज़ का बिट है। सो 20 और 50 में देख लो आप, 30 रुपीज़ का डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच मिलता है देखने को। ये वाला लेना है ना कि ये वाला। ये वाला देखो ग्लॉसी जैसा चमक रहा है, ये वाला एकदम मैट जैसा। सो इन दोनों में ये दो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये 6mm का बीट है, आप ये देखो 6mm का बीट भी सेम आपको यहाँ पर ग्लॉसी जैसा चमक रहा होगा। जीरो डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं आपको इन दोनों में देखने को मिलता है। एक्चुअली बीट जो है यहाँ पर जब आप मशीन में लगाते हो तो कभी कभी यहाँ पर से फैल जाता है। ये वाला जो कच्चा क्वालिटी का बीट है, जब यहाँ पर प्रेशर लगता है स्ट्राइकर का तो यहाँ पर नीचे से जो है स्प्रेड हो जाता है, तो स्प्रेड होने के कारण फिर ये मशीन से बाहर नहीं निकलता है, और उस वजह से फिर आपको जो है अलग चार्ज लग जाते हैं, डबल खर्चा सीधा। 50 रुपीज़ में अगर आपको नया बीट मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का, और वही फिर 50 रुपीज़ आप और एक्स्ट्रा देके मशीन से बीट जो है बाहर निकलवाते हो, आपको डबल चार्ज क्यों देना है? तब आप एक ही बार में आप अच्छा क्वालिटी का बीट ले लेते हो तो डबल चार्ज देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी ये 6mm की साइज़ में आपको मैं अच्छी क्वालिटी का बीट दिखाता हूँ कि वो एक्चुअली कैसा दिखता है। सो ये दिवस का बीट है 6mm का। ये वाला जो है अच्छी क्वालिटी का बीट 6mm में, इसका क्वालिटी और उसका क्वालिटी में कितना मतलब डे नाइट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये वाला 60 रुपीज़ का बीट और ये वाला जो है 20 रुपीज़ का बीट। सो आप देख सकते हो मतलब कितना चीप। ये वाला बीट भी हीट किया हुआ नहीं है, जबकि ये वाला बीट जो है हीट किया हुआ है। यहाँ पर ये देखो पूरा ब्लैकिश बीट आपको देखने में मिल जा रहा होगा, और ये वाला एकदम सिल्वरिश बीट। तो ब्लैक वाला जो बीट होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हीट हुआ रहता है। यहाँ पर जब स्ट्राइकर जो है इसके पीछे लगता है हैमर के लिए, तब यहाँ पर ये वाला जो स्प्रेड नहीं होता है, हीट होने के बाद आपका जो बीट है उसमें थोड़ी सी मजबूती है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है। और ये वाला बेकार क्वालिटी का है, एकदम थर्ड क्लास, एकदम मतलब गया गुजरा बीट आप इसको बोल सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ वो अलग लेवल का मतलब जिसकी कहानी काफ़ी डिफरेंट है, तो वो बीट एक्चुअली है क्यों, इसमें क्या ऐसा चेंजेस है जो कि मैं उसको साइड में रखा हूँ। लेजर ट्रैक का जो मैं बीट लेकर आया हूँ 5mm का ये बीट है। सो इसकी देखो ये भी पूरा आपको ब्लैकिश में दिख रहा होगा, ये भी एक अच्छी क्वालिटी का बीट है, और इसका वेट भी गाइज है इसमें। गाइज एक्चुअली डिफरेंस ये है, यहाँ पर आपने इतने सारे बीट्स देखे होंगे, सो उसके अंदर जो है आपको डायमंड जो है ये सिंगल डायमंड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सिंगल डायमंड है माइनस की जैसा, और इस बीट के अंदर जो है प्लस है, मतलब डुअल डायमंड बीट है ये। ये देखो उसका डायमंड जो है डुअल है। सो ये डुअल डायमंड ये मतलब आपके वॉल में होल करने में थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प करता है, और ये बीट जो है ड्यूरेबल है, मतलब अच्छा चलता है लॉन्ग टाइम तक। अगर आपको डुअल डायमंड वाला बीट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, वरना सिंगल डायमंड वाले तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। और ये भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 60 रुपीज़ का बीट है ये भी। सो और तो बीट में बताने लायक कुछ नहीं है, बस यही दो चीज़ अगर आप ध्यान रख लो और आपको एक अच्छा क्वालिटी का बीट मिल जाएगा, ना कि आपको कोई चूना लगाएगा, अगर आपको ये सब चीज़ पता है तो। सो आप मेरे को अभी ये बताओ गाइस कि आपको पता था इस चीज़ के बारे में, अगर पता है तो गाइस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, और नहीं भी पता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ वो आपको कैसे लगते हैं, कि आपको ऐसे ही और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए? सो गाइस आप मुझे कमेंट करो, मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ऐसा वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो ये वीडियो को दो लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा इस चीज़ से वाकिफ ना हो, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।